Hello friends, welcome to M&D Education. Friends, today I am going to discuss about the standard 7 maths chapter number 1 integers. Now I am going to start about the integers. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्स्थ स्टैंडर्ड के बारे में, सिक्स्थ स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने जो नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था उसका थोड़ा कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसका रिकॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लूप ड्रॉ किया है, उसके अंदर जो नंबर हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू एंड तक जितने भी नंबर से उसको हम नेचुरल नंबर से जाने जाएंगे, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर से जाने जाएंगे। उसके बाद जो नंबर ये ऑलरेडी जो है 1 से लेके तो इनफाइनाइट तक, उसके अंदर एक अगर आगे एक जीरो दिया जाए, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू, तो उसको हम होल नंबर बोलेंगे। और जिसके अंदर जीरो के आगे, मैं आपको बताऊँ कि उसके अंदर ऐसे नेगेटिव नंबर्स यानी कि 1, -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8 अप टू एंड तक, इसको हम इंटीजर्स बोलेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो लूप ड्रॉ किया है उसकी यहाँ पे थियरी कि नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स कौन से है, तो जीरो, सिर्फ ये 1, 2, 3, 4, 5 ये तो सारे नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ सबसे पहले यहाँ पे जीरो आएगा। जब जीरो का इन्वेंशन हुआ तब ये होल नंबर से जाने गए। अब देखो आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है तो उसमें राइट हैंड साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव है, तो किसी ने सोचा कि भाई जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर्स हो गए तब जाके ये इंटीजर्स फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे इंटीजर्स देखो, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे इनफाइनाइट तक होते हैं, वैसे ही ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है वो भी इनफाइनाइट तक होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। नाउ यहाँ पे ये जो हमने थियरी लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू थियरी मैं आपको बता दूँ, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। देखो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो कौन सा होगा, 1 होगा। वैसे ही द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सब स्मॉलेस्ट जो नंबर होल नंबर जो होगा वो 0 होगा, उसके बाद सभी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। नाउ ये सारे जो नंबर्स है उसको वी कैन प्लॉट ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर लाइन बिलो। देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ये सारे के सारे जो नंबर्स है उसको मैंने यहाँ पे इस नंबर लाइन पे प्लॉट किया है। तो बीच में आएंगे जीरो, जीरो से राइट हैंड साइड में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। देखो पॉजिटिव बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंबलाइज किया है प्लस करके वीई, ये पीछे वाला वीई, और इसको बोलेंगे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। वैसे ही जीरो से अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5 ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, क्लियर। तो इंटीजर्स दो तरह के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। देखो इस स्टैंडर्ड में यानी कि 7 स्टैंडर्ड के अंदर इंटीजर्स के बारे में हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है इस 7 स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैसे वैसे आता जाएगा, ये अभी थोड़ा ये जो बेसिक है वो हम भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो इंटीजर्स है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, खास तौर पे हम बताओ ना कि नंबर लाइन पे। तो देखो पहला यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात की है, एडिशन पॉजिटिव इंटीजर का भी होगा और एडिशन नेगेटिव इंटीजर का भी होगा, वैसे ही सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर का भी होगा और सब्ट्रैक्शन नेगेटिव इंटीजर का भी होगा, लेकिन उसके लिए कौन सी कंडीशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप कोई भी नंबर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना चाहते हो तो नंबर लाइन पे आपको राइट साइड आपको मूव करना पड़ेगा, ये पहला रूल्स है। देखो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, तो हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, ये लिख लिया। तो इस तरह के आपको बता दो कि मोर राइट साइड अपॉन नंबर लाइन, जैसे कि 2, तो टी 2 कहाँ पे, तो ये रहा 2, ठीक है। उसमें
आपको पता है ना कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर ही अगर ऐड करना चाहते हो, हमें राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। तो कितना मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स यानी कि 3 नंबर हमको मूव करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बता दूँ कि 1, 2 और 3, ओके। सो द रियल आंसर इज 5, और हमें पता है 2 + 3 दैट मीन्स 5, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया 5। तो हमारी ये जो पहली कंडीशन है वो खत्म हो चुकी। अब दूसरे में देखो कि ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, मूव लेफ्ट साइड अपॉन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, अगर उसके अंदर देखो 3 + -2 जो है वो नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करना चाहेंगे, ओके, तो हमें नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं चलो किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, कुछ यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लें, -1 है, -2 है और -3 भी है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे 3 नंबर कहाँ पे, तो ये रहा, ओके। अब देखो नेगेटिव इंटीजर जो है उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे कितने 2, तो 2 पॉइंट्स हमें लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। तो देखो देखो जैसे इस तरह यहाँ पे हम राइट साइड में मूव हुए थे ना, इसी तरह यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे लेफ्ट साइड, यहाँ पे 2 है तो 2 बार हमें यहाँ से लेफ्ट यानी कि मूव करना पड़ेगा। तो देखो द रियल आंसर इज 1, ओके। सो 3 + -2 इसका मतलब ये होता है कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ओके, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन हुई एडिशन के बारे में, कौन से एडिशन, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के एडिशन के बारे में। अगर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इससे पूरा उल्टा हो जाता है, उसका जो रूल्स है वो उल्टा हो जाए। जैसे कि देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ओके, मूव लेफ्ट साइड अपॉन नंबर लाइन, ओके। तो देखो यहाँ पे काम कर दे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है, ओके। अब हमारा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 5 है, तो ये रहा 5। तो कंडीशन के हिसाब से क्या कि मूव लेफ्ट साइड अपॉन नंबर लाइन, तो हमें यहाँ पे 3 जो है, तो यानी कि 3 नंबर जो है वो लेफ्ट साइड हमें मूव करना पड़ेगा। तो देखो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाएंगे। सो अब देखो तो 5 - 3, तो यहाँ पे हमारा ये जो रियल आंसर आ गया, तो 5 - 3 का मतलब कितना होता है, 2 हो जाता है, ओके। और लास्ट में देखेंगे सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर, मूव राइट साइड अपॉन नंबर लाइन, ओके। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से होता है कि ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है और देखिएगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने नंबर ले लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव, तो हमें राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। तो 3 कहाँ पे, तो ये रहा 3, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि नेगेटिव इंटीजर को हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, ओके। तो कितने नंबर, तो 2 नंबर, तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो एक बेसिक थियरी है इंटीजर्स के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इस थियरी पे, अगर ये जो थियरी है अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो आप बाकी के इंटीजर्स के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ ज़्यादा इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।